गिल्स मिंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा सारयां दा वेलकम करदा हां। गाइस तुहाडे लई बहुत ही खास और इंपोर्टेंट न्यूज़ लैके मैं वापस तो आ चुका हां। जिवें कि तुहानू पता है कि P3SB काउंसलिंग जो कि 4/2016 यानी 4/2016 के तहत जिन्होंने काउंसलिंग दी सी, तो गाइज मैं तुहाडे लई बहुत ही खास इस काउंसलिंग दे संबंधित एक न्यूज़ लैके आया हां, क्योंकि P3SB बोर्ड वालों हुणे हुणे एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। की इस नोटिफिकेशन विच और की हो सकता है तुहाडे लिए खास न्यूज, मैं तुहानू पूरी जानकारी दसांगा। जिवें कि तुहानू पता है गिल्स मिंटोर सरकारी नौकरी दे संबंधित आने वाले सारे पेपरां दे संबंधित सिलेबस एग्जाम दे संबंधित तुहाडे तक सब तो पहला स्टिक जानकारी लैके आउंदा है। जेकर तुसीं चाहुंदे हो इदां ही तुहाडे तक जानकारी अपडेट हुंदी रहे, तो इसलिए इस चैनल नूं अज ही सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करन दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। और पंजाब दे सारे पेपरां लई जिवें कि P3SB PSEB कलर्क एग्जाम, जां गल करिए आने वाली पटवारी पोस्ट, PPSC PPSC सीनियर असिस्टेंट लई फ्री दे विच क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहुंदे हो तो ईवनिंग नूं डेली क्लासेस ज्वाइन करना ना भुलो, अते फ्री दे विच स्टडी मटीरियल भी तुहानूं प्रोवाइड करवाया जांदा है। तो चलदे हां गाइज, आपां देखदे हां तुहाडे लई की है बहुत ही खास और अपडेट हुणे हुणे जो रिलीज़ हुई है। P3SB बोर्ड वालों हुणे हुणे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिहदे विच इह दस्सिया गया है कि जिहड़े तुहाडे काउंसलिंग 26/11/2018 तो लैके 3 जनवरी 2019 तक अते 4 फरवरी 2019 तो 5 फरवरी 2019 दौरान काउंसलिंग हुई सी, जिहदे विच कंप्लीट आपां कह सकदे हां कि 219 यानी उम्मीदवार गैर हाजिर रहे हैं। अगर गैर हाजिर रहे हैं तो डेफिनेटली जिन्हों की रैंक बिलो वेटिंग सके तो उन्होंने डेफिनेटली इतने मौका मिलेगा, ये चीज़ श्योर है। तो गाइज तुसीं देख सकते हो ये कैंडीडेट ने, जी हाँ, एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इन्हें रिटर्न मार्क्स ने, रिटर्न मार्क्स भी तुसी देख सकते हो। अगर बाय द वे ए कैंडीडेट इन्हें एबसेंट ने, हो सकता इन्होंने किसी होर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया होवे इन बिटवीन, ठीक है, तो तुसी देख सकते हो कि ये टोटल 219 कैंडीडेट ने। मैं तुहानू कोशिश करांगा कि प्रोपर स्क्रॉल करके और तुहानू मैं नेम दस दांगा, और तुसी कोशिश करो कि हो सकता तुहाडा भी किसी का नेम इत्थे बाई मिसटेक पा दिता गया होवे P3SB बोर्ड वालों, राइट। तो इतों बोर्ड वालों की कहना है, बोर्ड वालों अपना स्पष्टीकरण देना है, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करांगा कि तुम ऑफिशियली नोटिफिकेशन से जाके या कमेंट सैक्शन में मैं डायरैक्ट लिंक दे दांगा जितों तुम डाउनलोड करके अपना नेम चैक कर सकते हो कि तुम तो नहीं है खुद, ठीक है। रिटर्न के मार्क्स देख सकते हो कि 34.25 यानी बहुत ही घट मैरिट वाले बच्चों भी कॉल किया गया सीगा, ठीक है। इन्हां लई की हैगा कि उपरोक्त सूची दे विच तुहानू ये जानकारी दसी गई है कि 11/3/2019 तक अगर किसी भी किसी ने काउंसलिंग दी है तो ठीक है, उहदा नेम अगर बाई द वे बाई मिसटेक नाल अगर इत्थे अटैच कर दिता गया है और तुसी काउंसलिंग दे विच प्रेजेंट होए सीगे तो तुसी तुहाडा ऑब्जेक्शन 11/3/2019 तो पहला पहला दफ्तर विच आके अपनी पूर्ण तौर पर हाजिरी संबंधी तुसी जानकारी दे सकते हो। अगर तुसी जानकारी नहीं देंदे तो तुहानू डेफिनेटली एबसेंट दे विच ही रखा जाएगा। बोर्ड वालों कहा गया है कि सूची तैयार करदे हुए पूर्ण तौर पर सावधानी रखी गई है, परंतु फिर भी कोई त्रुटि या ध्यान विच आउण तो उपरांत, मतलब ये कहते हैं कि साढ़े तौर भी अगर कोई बाई द मिसटेक अगर इदा का नेम ले रखा गया है तो उस लई अपना पूर्ण तौर पर अपनी अटेंडेंस नूं जाहिर करवा सकते हो। तो गाइज तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट खास न्यूज है, तुसी मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना अगे, क्योंकि हो सकता है कोई इदा का कैंडीडेट होवे कि जिसने काउंसलिंग विच पार्टीसिपेट, मैं कह सकता हां काउंसलिंग अटेंड की होवे लेकिन बाय द मिसटेक बोर्ड वालों उहदा नाम एबसेंट विच पा दिता गया होवे, तो गाइज उहदे लई बहुत ही खास न्यूज़ है। तो हो सकता है कि 219 कैंडीडेट इतों वेटिंग दे विच काउंसलिंग लई कॉल होवे, तो उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच तुसी टाइम दिता, मैं तुहानू इदां ही ब्रेकिंग न्यूज़ लैके मिलता रहांगा। तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।